तो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं जीव विज्ञान में कोशिका को पढ़ा रहा था और वो टॉपिक पूरा हो गया, लेकिन एक विभाजन और बचता है कोशिका का, जिसे कहते हैं केंद्रक के आधार पर। केंद्रक के आधार पर या फिर कह लें जटिलता के आधार पर कोशिका विभाजन। इसे भी पढ़ लेंगे। केंद्रक के आधार पर या फिर कह लें जटिलता के आधार पर कोशिकाओं का दो रूप में विभाजन किया गया। पहला प्रोकैरियोटिक, कोशिका, और दूसरा यूकैरियोटिक। कोशिका, इन दोनों को भी आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है और उसे हम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसे भी पढ़ लेंगे। आप दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में अंतर भी जानेंगे, क्या है यूकैरियोटिक और क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक वो अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है वो अल्प विकसित, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित केंद्रक। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि ये जो होता है निम्न प्रकार का केंद्रक और ये उच्च प्रकार का केंद्रक, या फिर कह सकते हैं आदिम प्रकार का केंद्रक और यहां पर उच्च प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लवक, लाइसोसोम, ये अंग नहीं पाए जाते, किसमें? प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, अंतःप्रदीप जालिका, ये सभी अंग यहां पर पाए जाएंगे, ये सभी अंग यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे, पाए जाते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए दोनों में पाया जाएगा, यहां भी और यहां भी, पर दोनों में अंतर क्या है? यहां पर डीएनए नग्न होगा, कैसा? नग्न। और यहां पर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन की परत पाई जाएगी, हिस्टोन प्रोटीन यहां पर डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन की परत पाई जाती है या फिर लेयर पाई जाती है, जबकि यहां पर कोई भी लेयर नहीं पाई जाती। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक कोश की, एक कोश की जीवों में पाई जाती है और ये उच्च प्रकार के या बहुकोशिकी जीवों में पाई जाती है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका उच्च प्रकार के जीवों में या फिर कह लें हम बहुकोशिकी जीवों में पाई जाती है, उच्च प्रकार के जीवों में पाई जाती है। जैसे यहां पर एक कोश की बात करें तो क्या आएगा? जीवाणु, प्रोटोजोआ, नील हरित शैवाल जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नील हरित शैवाल, इनमें क्या पाई जाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जबकि उच्च प्रकार के जीवों में कौन सी कोशिका पाई जाएगी? यूकैरियोटिक। आपको इतनी बात समझ में आई? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, या फिर पहले यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में निम्न प्रकार का केंद्रक पाया जाता और इसमें उच्च प्रकार का केंद्रक पाया जाता। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या फिर कह लें कोशिकांगों, ये सभी अंग यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, इसमें प्रोकैरियोटिक,
और यहाँ पर ये सभी अंग पाए जाएंगे। अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए दोनों में पाया जाएगा, जबकि यहाँ पर डीएनए नग्न होगा, यानी इसके ऊपर कोई परत नहीं होगी, जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन की परत पाई जाती है। किसमें? यूकैरियोटिक में। अगर हम बात करें किसमें पाए जाएंगे, ये कौन से जीव है, वो एक कोश की जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, नील अरिस्ट शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर उच्च प्रकार के या उच्च वर्ग के जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको समझ में आया तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।